My dear students, good morning. Let's start again. So today's topic is teleprinter. We can send our printed message to any place through the teleprinter. देखिए, जो teleprinter होता है उसके through हम अपना कोई भी messages easily एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं. और teleprinters the message at a receiving place. जो teleprinter होता है वो अपने message कहाँ तक पहुँचा देता है, जहाँ तक हमें मैसेज पहुँचाने होते हैं. रिसीविंग प्लेस मतलब जो उस मैसेज को रिसीव करता है उस जगह तक पहुँचा देते हैं, मतलब जो इसके पास वो मैसेज पहुँचाना होता है वहाँ तक ये मैसेज पहुँचा देता है. ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव नाउ डायरेक्ट टेलीप्रिंटेड सर्विस कनेक्टेड विद वन अनदर. अभी सारी कंट्रीज़ पर आपके क्या है, डायरेक्ट टेलीप्रिंटेड सर्विस है जो एक जगह से दूसरी जगह आपका इजीली एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचा देती है. ये आपका टेलीप्रिंटर हुआ. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक फैक्स मशीन. अ फैक्स मशीन इज यूज्ड टू कॉपी अ प्रिंटेड मैटर और द पिक्चर. जो हमारी फैक्स मशीन होती है वो आपकी यूज़ होती है कोई भी प्रिंटेड मैटर को कॉपी करने के लिए या उसकी पिक्चर को प्रिंट करने के लिए. द फैक्स मशीन इज़ कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन. जो आपकी फैक्स मशीन होती है वो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होती है. द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द प्रिंटेड मैटर रीच द रिसीव इंस्टेंटली. जैसा हम भेजना चाहते हैं बिल्कुल डिटो वही कॉपी ये भेज देता है उस जगह पे. मतलब मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट हम पे है सेम, ऐसा हमें कहीं और भेजना है तो हम कॉपी करके इसके थ्रू इजीली भेज सकते हैं. फैक्सिंग इज़ आल्सो कनेक्टेड मींस ऑफ सेंडिंग मैसेज एंड पिक्चर क्विकली. फैक्स जो फैक्सिंग होता है वो आपका एक तरीके से कह सकते हैं हम कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं या पिक्चर भेजना चाहते हैं एकदम से भेज देता है. नेक्स्ट ईमेल. द मोस्ट पॉपुलर वे टू सेंड अवर मैसेज इस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल. देखिए हमारे ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर वे है मैसेज को सेंड करने का आपका ईमेल. ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल. इलेक्ट्रॉनिक मेल इट इज़ अ रिलेटिवली न्यू सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन. देखिए ये आपका सबसे ज़्यादा न्यू सिस्टम है मैसेज को सेंड करने का और रिसीव करने का, भेजने का और मतलब आने का और जाने का. मैसेज का सबसे ज़्यादा न्यू सिस्टम है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन. हम कंप्यूटर की मदद से और इंटरनेट कनेक्शन की मदद से इजीली हम भेज सकते हैं. द मैसेज रीच एनीवेयर इन द वर्ल्ड. इससे क्या है, जो हमारा मैसेज होगा पूरी दुनिया में कहीं पे भी, हम कहीं पे भी इंटरनेट कनेक्शन होना इम्पॉर्टेंट है, हम कहीं पे भी इसे भेज सकते हैं. This method is cheaper and can be used for all purpose, official and personal. ये आपका सबसे ज़्यादा सस्ता होता है, मतलब को इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, बस हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है और कुछ नहीं लगता है. हम easily एक जगह से दूसरी जगह इसके थ्रू हम कोई भी मेल भेज सकते हैं. ये आपका officially भी यूज़ होता है और personally भी. Next, mass communication. देखिए हमने पढ़ा था कि हमारे कितने काइंड्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं. अभी तक हम पर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे. पर्सनल कम्युनिकेशन आपको याद होगा कि वो कम्युनिकेशन जो हम एक दूसरे को भेजते हैं डायरेक्टली. ऐसा नहीं है कि हम जो चीज़ भेज रहे हैं किसी को, बात कर रहे हैं किसी, तो डायरेक्टली सभी को पता चल रही है, किसी पर्टिकुलर इंसान को करते हैं, वो होता है पर्सनल कम्युनिकेशन. अब मास कम्युनिकेशन. मास मीन्स क्राउड और अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. मास मीन्स होता है क्राउड मतलब भीड़ और बहुत सारे लोग. व्हेन मैसेज आर सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ सेम टाइम इट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. अगर मैसेज हम एक बार में बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज रहे हैं एक ही समय पे तो वो क्या कहलाएगा, मास कम्युनिकेशन. बुक्स, अगर कोई बुक है वो बुक न जाने एक ही बुक, मतलब उसी बुक को कितने लोग एक साथ पढ़ रहे होंगे. मैगज़ीन मान लीजिए, जैसे हमारे न्यूज़पेपर में मैगज़ीन्स आती हैं वैसे बहुत सी मैगज़ीन्स आपकी मिलती हैं, तो वो कितनी सारी छपती हैं, कितने सारे लोग उन्हें पढ़ते हैं, तो वो आपकी मास कम्युनिकेशन हो गई.
न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर भी एक साथ कितने सारे लोग पढ़ते हैं, हालांकि सब अपना अपना अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग मतलब कि सबके पास अपना न्यूज़पेपर होता है, सबके घरों में अलग अलग आता है, लेकिन न्यूज़पेपर तो सेम ही होता है। रेडियो, एक बार में रेडियो कितने लोग सुन रहे होते हैं, टेलीविज़न पे कितने लोग एंटरटेनमेंट की चीज़ें देख रहे होते हैं, सिनेमा, एडवर्टाइजमेंट आर द मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारे मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब इनके थ्रू आपके मैसेज आता है जाता है, मतलब इनके थ्रू लोग एंटरटेन भी होते हैं, बहुत सी नॉलेज की चीज़ें भी पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो ये आपकी मास कम्युनिकेशन, जो एक साथ बहुत लोग उसे देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं रेडियो। रेडियो इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। रेडियो इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। वी लिसन मैनी प्रोग्राम्स कन्वर्सेशन सॉन्ग्स ऑन द रेडियो। इट वॉज इन्वेंटेड बाय गोलियोगी मार्कोनी इन 1886। आपका जो रेडियो है सबसे ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें क्या होता है, हम प्रोग्राम्स को सुना करते हैं, कन्वर्सेशंस को, सॉन्ग्स को रेडियो पर। ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, ये इन्वेंट किया गया था गुलियोगी मार्कोनी के द्वारा इन्वेंट किया गया था। और कौन से सन में इन्वेंट किया था, ये आपका इन्वेंट किया था 1886 में। रेडियो स्टेशन एट डिफरेंट प्लेसेस इन अ कंट्री आर एस्टेब्लिश टू ब्रॉडकास्ट द प्रोग्राम। जो आपको रेडियो स्टेशन हैं, ये डिफरेंट जगह एस्टेब्लिश करे गए हैं कंट्री में, इसके थ्रू हम प्रोग्राम्स को सुन पाते हैं। द रेडियो गिव अस प्रोग्राम्स ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, मूवीज़, म्यूजिक, ड्रामा एंड इवन एजुकेशन प्रोग्राम। जो आपके रेडियो होते हैं, ये आपकी हमें नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, मूवीज़ के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, ड्रामा और एजुकेशन के भी बहुत सारे प्रोग्राम सुनाते हैं। इन इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट वॉज स्टार्टेड इन 1927। आपके इंडिया में रेडियो ब्रॉडकास्ट आपके 1927 में स्टार्ट हुआ था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।